उपचुनाव में मदरसा खौरिया फैज आम मदापुर में बूथ संख्या 127, 128, 129, 130 और 131 पर प्रशासन द्वारा मतदान से रोका जा रहा है। वहीं वायरल वीडियो में खुद मतदाता बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। मतदाता के अनुसार बीजेपी पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने वोट नहीं देने दिया जा रहा है। कुछ गुंडे उनका निर्वाचन कार्ड ही लेकर फरार हो गए। एक ने बयान दिया कि इस निर्वाचन कार्ड को फर्जी बताया जा रहा है तो दूसरे मतदाता ने आरोप लगाया है कि उनके नाम से वोटिंग पहले ही हो चुकी है। वहीं एक मतदाता ने ये भी आरोप लगाया कि इस पोलिंग बूथ पर उन्हें और महिलाओं पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। जो है हमारा वो निर्वाचन कार्ड लेकर के चला गया। कौन ले गया है? सीओ 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 साहब ले गया है। क्या नाम है उनका? अब नाम तो नहीं मालूम। क्या नाम है? बिनीश सिंह। आप कभी ले जाया गया है? मुझको तो 5 मरतबा वापस किया। अच्छा, आप कह रहा है कि वोट नहीं आप लोगों को देना, घर चले जाइए नहीं तो मुकदमा कर देंगे। अच्छा, ऐसी धमकी? हमारा तो ठीक लेकर गया है। क्या नाम है आपका? रईसुल कदर। अगर दोबारा आओगे तो फिर जेल में बंद कर देंगे सीधा। अच्छा, आप कभी ले गया है? कोई नहीं चाहता ना। आप क्या गया है? आधार कार्ड ले गया। आधार कार्ड भी है, लाल नंबर है। आधार कार्ड ले गया, पर्ची भी ले गया। निर्वाचन कार्ड ले गया। कौन ले गया? अच्छा, क्या बोला? बोला फर्जी है। फर्जी है? नहीं। अच्छा, कितने लगभग कितने लोगों का यहाँ पे आधार कार्ड लेके जाया गया? अच्छा, करो वोट कहाँ दिया? अभी कोर्ट पड़ रहा है। अभी कुछ स्टार्ट हुआ? सुबह से बंद था। माइनॉरिटी का वोट रोक रहा है। एक तरफा माइनॉरिटी का वोट रोका जा रहा है। एक तरफ माइनॉरिटी का डंडा लेके पुखिया रहा था, मारने के लिए दौड़ा रहा था। अच्छा, औरतें वापस आ गई हैं। अच्छा, औरतों को भी दौड़ाया गया है? औरतों को दौड़ाया गया है। माइनॉरिटी की वोटों को एक तरफा रोका जा रहा था, अभी जब चला। अरे अब आपके मीडिया वाले उनको कह रहा है भाग जाओ मुकदमा कर देंगे। ये मीडिया वाले लोग आपके आए थे? अच्छा, इन लोगों का भाग जाइए मुकदमा कर देंगे। मीडिया वालों को भी भाग गए लोग, पूछिए ना भाग गए। ठीक। साथ ही एक दूसरी पोस्ट में समाजवादी पार्टी ने घोसी उपचुनाव में सेक्टर नंबर 25 पीड़वल के बूथ संख्या 175, 176 और 177 पर पूर्व प्रधान रतनलाल गोंड, विनायक यादव, नितिन श्रीवास्तव और विक्रांत यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं इन सभी आरोपों में कितनी सच्चाई है इसका पता तो अब चुनाव आयोग और पुलिस ही लगाएगी। लेकिन बीजेपी की इस तरह के पैतरों से कहीं ना कहीं ये साफ पता चल रहा है कि बीजेपी के अंदर शायद घोसी में चुनाव की हार का डर सता रहा है। वहीं एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहीं बीजेपी के डबल इंजन का पहिया डगमगा तो नहीं रहा। शायद बीजेपी को अब ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार पार होना बेहद मुश्किल है, क्योंकि मतदाता सब देख रहा है। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।